What are things you have learned today? First class was a vocabulary, right? क्या सीखा आपने? What else? Vocabulary में discipline सीखा और come fast. How many people are outside? सब लोग हैं यहाँ पे? Okay. And vocabulary class you learned about discipline. Very good. Nothing about vocabulary. आगे दो महीने कम फास्ट आगे दो महीने क्या करना है? इन्हें डिस्कशन डिस्कशन हुआ तो है. That means you were not focused. Vocabulary class में क्या होगा? सर ने पता है कि Very good. Main point you catched. What about this class? Sanjana Ma'am's class, writing skill, right? Yes, sir. वहाँ क्या सीखा आपने? Writing skill. क्या writing skill तो खैर आपका subject ही है. सीखा क्या? First bench. What you learned in that class? Okay, sir. So this is the class of GD, group discussion. ठीक है, कभी आप लोगों ने फेस किया कोई ग्रुप डिस्कशन? कोई नहीं. ग्रुप डिस्कशन कितने लोगों ने फेस किया अब तक? How many of you have faced any of even a single group discussion? Only one. कॉलेज स्कूल लाइफ वगैरह में नहीं हुआ कभी ग्रुप डिस्कशन? टू थ्री. एक एक करके सोच कर ग्रुप डिस्कशन कहते हैं किसको है, पता है? What is group discussion? Okay. Watch out. Pan is over there. Okay, sir. Interaction with teachers नहीं. देखिए group discussion होता क्या है. Group discussion में पहले आज ये first class है. Let me explain. पहले दिमाग में क्या चल रहा होगा? What is group discussion? जरूर नहीं face किया. है क्या group discussion? ठीक है. Bridge class ये basically आपका course एकदम से शुरू नहीं किया गया. Reason being ये सारा जो बेसिक एटिकेट्स वगैरह है, ठीक है, बेसिक चीज वगैरह है, ये ऐड किया गया है. वो कैब आपका वर्ड का वो कैब बढ़ाने के लिए आप बोलने लायक हो जाए, ठीक है, राइटिंग स्किल ताकि हम लिख पाए. फ्यूचर में आगे जब आपका कोर्स वगैरह शुरू होगा आपको लिखना पड़ेगा आंसर. एंड जी डी इज टू इनहांस योर स्पीकिंग स्किल. तो वो कैब में आप सीख रहे हैं वर्ड्स, ओके. राइटिंग स्किल में आप लिखना सीख रहे हैं. जीडी में यू विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू स्पीक, ठीक है, यानी जीडी इज टू इनहांस योर स्पीकिंग स्किल. ऑलराइट, जीडी में स्पीकिंग स्किल अपना आप इनहांस करेंगे. क्लियर? अब होता क्या है जीडी, अंडरस्टैंड दैट. व्हाट इज जीडी? एक का था कि हाँ इंटरेक्शन. देखिए यहाँ पे बेसिकली फेस टू फेस आपको जीडी में बैठाया जाता है, ठीक है, या तो पूरा 360 डिग्री गोल रहेगा, राउंड आपका टेबल रहेगा, आप चारों ओर से बैठेंगे, ठीक है, या नहीं तो फेस टू फेस बैठाया जाएगा, आपस में आप एक दूसरे को देख पाएंगे. जैसे हम लोग घर पे बैठते हैं डिनर के टाइम, लंच के टाइम, आपस में कैसे बातचीत करते हैं हम लोग, वी डू. जीडी इज द सिमिलर थिंग. हम लोग यहाँ आपस में बैठ के बस बातचीत करते हैं, कोई टॉपिक लेते हैं, ठीक है. जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने यहाँ प्राइवेट स्कूल से, समवन मस्ट बी फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है. अभी मैं अगर बोलने के लिए बोलूं गवर्नमेंट स्कूल आपके लिए अच्छा है या प्राइवेट स्कूल आपके लिए अच्छा है, बोल लेंगे ना एक दो लाइन भी, अपना अपना ओपिनियन देंगे. तो जीडी वही है, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, अंडरस्टूड. तो आप बोलना कैसे है? और जैसे घर में बात करते हैं वैसे हम यहाँ बात नहीं करते जीडी में. कंप्लीट एक फॉर्मल तरीका होता है जीडी का, अंडरस्टूड. तो व्हाट इज जीडी? इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, ठीक है, जितने लोग बैठे रहते हैं अपना अपना ओपिनियन देते हैं. नाउ पॉइंट इज व्हाई जीडी हम लोग क्यों करेंगे, क्या जरूरत है? हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार जीडी करवाया जाता है, यस और नो? कैंपस सिलेक्शन के लिए एमबीए बीकॉम आपका बीसीए के स्टूडेंट भी हैं, करने के बाद हम मास्टर्स में जाएंगे, यस. कैंपस सिलेक्शन होगा, कैंपस सिलेक्शन में भी जीडी होता है. क्यों करवाया जाता है, क्या चेक करने के लिए? व्हाट? ओके ओके, एनीथिंग एल्स?
एक पॉइंट आया थॉट, ठीक है लिख लेती हूँ व्हाई में आपने बोला. ऑनलाइन स्टूडेंट यू आर एबल टू हियर और नॉट? यस मैम. यस मैम. ऑल राइट, अगर प्रॉब्लम होगा बताइएगा. बोर्ड दिख रहा है सपोज? यस मैम. ठीक है, डिस्कशन हुआ थॉट आप बोल रहे हैं. ऑल राइट, व्हाट एल्स? IQ. Okay, IQ will come in thought only. What else? Hesitation, presence of mind. Okay, I'll tell you total six quality, six major quality. जो हम लोग GD में check करते हैं. तो GD में next class से आके मैं do's and don't बता रही हूँ. या हम लोग check करते हैं GD में, वो मैं बता रही हूँ. Next class से हम लोग करवाएंगे. ठीक है, GD हम लोग को बोलना होता है ना, we need to participate. Getting my point, last benches. GD में हम लोग जितना बोलेंगे उतना हमारा hesitation दूर होगा. लेकिन बोलने में आपको ये चेक करना है कि आपका सबसे पॉइंट नंबर वन इज कॉन्फिडेंस. यस और नो? सबसे पहले आप जब कुछ भी बोलेंगे तो ये चेक होता है कि कॉन्फिडेंस कितना है बंदे में. गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट वन इज आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं. आप लोग क्या क्या इम्प्रूव कर रहे हैं जीडी में? अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं. ठीक है, अब कैसे पता चलता है कि बंदे में कॉन्फिडेंस है कि नहीं? आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम लास्ट बेंच. कैसे पता चलेगा कि आप में कॉन्फिडेंस है? हाउ वी विल नो दैट आई हैव कॉन्फिडेंस? क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए? कैनन से गेटिंग माई वॉइस? नहीं आ रही आवाज क्या? लास्ट बेंच, आई एम टॉकिंग टू यू. आपके पीछे नॉट गेटिंग माई वॉइस? अवॉर्ड आवाज क्लियर नहीं है? तब से मैं पूछ रही हूँ तो हाँ हाँ बोल रहे हैं आप. मैंने कहा कि क्या हम करेंगे जो लगेगा कि हाँ बंदे में कॉन्फिडेंस है. ठीक है, बोल्डनेस. अब आप यहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, बहुत धीरे बोल रहे हैं. ठीक है, तो क्या शो होगा? कॉन्फिडेंस शो होगा क्या? एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो आवाज और पिच आपको ये ध्यान रखना. ठीक है, कॉन्फिडेंस शो करने के लिए. और फिर देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, पैर हिलाते हैं बोलते वक्त, ऐसे ऐसे करते हैं, लगता है हम लोग नर्वस हैं, ऐसे ऐसे करेंगे. तो ये सबसे क्या पता, ये ऐसे ऐसे कांपेंगे. ठीक है, लिटरली बहुत का यहाँ पे आकर के ऐसे ऐसे करेंगे. ठीक है, तो ये सब चेक करना है. राइट, तो सबसे नंबर वन इज कॉन्फिडेंस. चाहे आप किसी भी इंटरव्यू में बैठिए, ठीक है, यहाँ कॉलेज में भी GD होगा आपका, कई बार कॉम्पिटिशन करवाया जाएगा. बैठ जाइए, सिट डाउन, सिट. ठीक है, तो क्या चीज करना है? कॉन्फिडेंस आपको इम्प्रूव करना है GD के लिए. ठीक है, सेकेंड पॉइंट विच इज चेक इज योर कम्युनिकेशन स्किल. आप लोगों को ठंडा लग रहा था, मुझे गर्मी लग रही है. ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट इज योर कम्युनिकेशन स्किल. आप कितने अच्छे से अपने पॉइंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं. कभी देखा कोई मूवी देखने के लिए हम लोग जाते हैं अगर, तो कोई एक बंदा है आपको सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा, कोई है शॉर्टकट में निकल गया, कोई है इतना डिटेल बोल रहा है कि भाई बस करो जाना है कुछ काम करने के लिए, होता है कि नहीं? वही कहीं किसी का आपको सुनने में अच्छा लगेगा. यस और नो? तो दैट इज व्हाट रोल प्लेज विद दिस कम्युनिकेशन स्किल. ठीक है, बोलने का तरीका. अब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, कैसे पता चलेगा? अगर आप सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हैं, ठीक है, सामने वाला आपको सुनने में इंटरेस्टेड है, That means your communication skill is good. Okay. So second चीज जो देखा जाता है GD में is your communication skill. Clear यहाँ तक? तो GD में आप ये look forward कर सकते हैं कि आपको confidence build up होगा, आपकी communication skill होगी. तीसरी चीज जो देखी जाती है is your, कोई topic दिया जाएगा obviously, है ना? अब depending upon कौन से competition में आप बैठ रहे हैं. ठीक है, कौन से कंपटीशन में, जैसे मान लीजिए आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं, तो
तो बहुत सिंपल से टॉपिक दिया जाता है। यही सिविल इंजीनियरिंग के लिए या किसी और एफबीआई पीओ वगैरह में जो जीडी होता है वो सबका स्टैंडर्ड ऊपर होता है। ऑलराइट, यहाँ पे इंग्लिश कितने का स्ट्रांग है? ऑल हैव टू वर्क ऑन इट, नो प्रॉब्लम, वी आर देयर टू हेल्प यू ऑल। तो यहाँ पे मैं बता दूं, ग्रिप ऑन योर कंटेंट, ठीक है, आपको कंटेंट पे या जो टॉपिक दिया जा रहा है, रैंडम टॉपिक मिलेगा, टॉपिक के बारे में पहले नहीं बताया जाता है कॉम्पिटिशन में, ठीक है, आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलता है, ठीक है। तो तीसरी चीज जो देखी जाती है, ग्रिप ऑन द कंटेंट, ठीक है, कंटेंट आपका कितना अच्छा है, उस चीज के बारे में नॉलेज कैसे करें, नॉलेज कितना है आपको। अब ये कैसे होगा, बाकी चीज तो चलिए प्रैक्टिस से हो जाएगा। क्या जरूरी है जो टॉपिक दिया जा रहा है वो रिलेवेंट हो, मेरे को सारा चीज पता ही हो, इज इट पॉसिबल? तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या टिप्स होगा? रीड मोर एंड मोर, ठीक है, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, ठीक है, हर दिन का न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर खरीद तो सकते नहीं है अभी, ठीक है, बहुत के घर में आता होगा, नहीं आता होगा, यूट्यूब सबके पास होगा, यस और नो? यूट्यूब पे हिंदू एडिटोरियल देख सकते हैं, राज्यसभा टीवी, हम लोग का जो इंग्लिश का जो इंडियन एसेंट है, हम लोग इंडियन लोग जैसे इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, वैसा ही इंग्लिश राज्यसभा टीवी में आपको सुनने को मिलेगा, डीडी न्यूज में सुनने को मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट, यू नीड टू टर्न ऑन योर कैमरा एंड सेट, मुझे भी तो पता हो आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, बी विद अस, टर्न ऑन योर कैमरा। शिवानी, राहुल, ऑल राइट, ठीक है, क्या डिस्कशन हो रहा था कि रीड मोर एंड मोर, न्यूज पेपर्स पढ़िए, न्यूज बुलेटिन हार्डली 10 मिनट्स लगेगा आपको, ठीक है, 10 मिनट्स न्यूज हेडलाइन देखने के लिए, ज्यादा टाइम लगेगा क्या? आप 1 घंटा टाइम निकालिए न्यूज के लिए, बिग पिक्चर आता है राज्यसभा टीवी पे, ठीक है, बिग पिक्चर राज्यसभा टीवी, या नहीं तो जिस भी एंकर का आपको अच्छा लगे, डीडी न्यूज या राज्यसभा टीवी, दोनों में से कोई एक, अगेन ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ठीक है, जो आप कंफर्टेबल हो एक्सप्लोर करिए, 1 घंटा टाइम दीजिए उसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ग्रिप ऑन द कंटेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज जो देखी जाती है जीडी में इज योर ओपिनियन। ओपिनियन मीन टू से कि आप किसी चीज के बारे में, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, जो आप बात कर रही थी, थॉट प्रोसेस क्या है, इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं आप, ठीक है, वो भी चेक किया जाता है जीडी में। ऑलराइट, आप ओपिनियन आपका क्या है, अब किसी के सेंटिमेंट को भी, अगेन इसी से एक और पॉइंट जनरेट होता है, किसी के सेंटिमेंट को आपको नहीं ठेस पहुंचाना है, अंडरस्टूड? सेंटिमेंट मतलब इमोशंस, भावना, करेक्ट, किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, वुमेन के बारे में आपको कुछ बोलने के लिए बोला गया, ठीक है, वुमेन के कंडीशन के लिए वुमेन खुद रिस्पॉन्सिबल है, इफ दिस इज योर स्टेटमेंट, इज इट गुड? और मान लीजिए सर्टेन टॉपिक मिलता है रिजर्वेशन में बोलने के लिए बोला जाता है, तो रिमेम्बर आप जो बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके ग्रुप में हर कास्ट के लोग हैं, आप किसी के कास्ट के ऊपर टिप्पणी कर दिए, किसी के रिलीजन के ऊपर टिप्पणी कर दिए, विच इज बैड, आपको इन सब चीज से जीडी में दूर रहना है, ठीक है, कहीं भी कोई भी जीडी में आप बैठे हो, चाहे वो कैंपस प्लेसमेंट के लिए, चाहे वो कहीं और बैठे हुए, ठीक है, ये सिक्स, ये सारी, हाँ एक और क्वालिटी है बॉडी पोस्चर, जो अभी मैं बात कर रही थी, जैसे हिल रहे हैं, दिस वन इज सिक्स्थ वन, इनफैक्ट इसका सबसे ऊपर स्थान होना चाहिए बॉडी पोस्चर, क्योंकि जब आप चल के आते हैं, ठीक है, उसी टाइम से आपका बॉडी पोस्चर चेक होता है, कितने कॉन्फिडेंटली आप चल रहे हैं, ऐसे झुक के चल रहे हैं या स्ट्रेट होके चल रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट? बॉडी पोस्चर मतलब क्या हुआ, व्हाट इज बॉडी पोस्चर, लाइक यू आर सिटिंग, पता है ये कैसे सिग्निफाई करता है, देखिए बॉडी पोस्चर जो हमारा है ना, वो वॉलेंट्री नहीं होता, हम लोग के हैबिट में होता है, वो अपने आप हो जाता है, अगर आपको ऐसे बैठने का आदत होगा, आप नोइंगली अनोइंगली ऐसे हो ही जाएंगे, अंडरस्टूड? यही अगर मेरे दिमाग में पता होगा कि कौन सा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, कौन सा नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, तो हम लोग चेक करते करते उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं, ठीक है, जैसे आप झुक के बैठे हुए, ठीक है, अब झुक के बैठना इज नॉट गुड, आप स्ट्रेट बैठिए, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, जब आप बात करेंगे, स्ट्रेट बात करेंगे, हाथ सीधा रहेगा,
ये सब कॉन्फिडेंस शो करता है। अब जब एक बार जीडी आप लोग शुरू करेंगे तब और डिस्कशन होगा इसके बारे में, ठीक है। तो इट इज बेसिकली आपको यहाँ एनहांस करना है अपना स्पीकिंग स्किल, यू नीड टू एनहांस योर स्पीकिंग स्किल एंड अनडाउटेडली मोस्ट ऑफ यू, ओके योर इंग्लिश इज नॉट गुड, डजंट मैटर, यहाँ पे विद इन वन मंथ आप आज अपना रिकॉर्डिंग देखिएगा, आज तो जीडी नहीं पॉसिबल होगा, नेक्स्ट क्लास में जब आप जीडी करेंगे फर्स्ट क्लास अपना वॉच आउट करिएगा और एक महीने के बाद वॉच आउट करिएगा, देखिए क्या इम्प्रूवमेंट आप ले पाए, ठीक है। लेकिन आगे जाने से पहले आई वॉन्ट इंट्रोडक्शन फ्रॉम यू ऑल, एटलीस्ट आई वॉन्ट टू नो योर नेम एंड सीबीएसई और आईसीएसई एंड योर सब्जेक्ट, ठीक है, बस इतना ही बोलेंगे आप लोग। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस मी, माई नेम इज डॉक्टर नीना झा, ये ब्रिज कोर्स में स्पेशली मैं आपके पास जीडी के लिए टू एनहांस योर स्पीकिंग स्किल, ऑल राइट। So hope for the best and you will able to learn many things from here. All right. So first introduce from online class only. Shivani, introduce yourself. Myself Shivani Mishra. Okay. I am from CBSE board and my subject I have chosen that is BCA. And what you have completed? From which subject? I have completed. Yes? That is from bio. Bio and then? BCA. Yes, ma'am. All right, Ashish. Yes, ma'am. My name is Ashish Ranjan, and I'm also from CBSE, and I completed my 12th with bio subject. Many of you are from bio only, or what? Okay, Himanshu. Yes, ma'am. Here you are on in which subject? Which course you have opted, Ashish? No, ma'am. Wait a second. Which course you opted, Ashish? Ma'am, BCA. BCA, okay. Himanshu. Unmute yourself first. Hello, ma'am. I am Himanshu Kumar from Motihari. I am from government, Bihar Board. Bihar Board, and I am apply for BBA. BBA, okay. Rahul. Myself Rahul Kumar. I am from Saran, Bihar, and I completed from Bihar Board, and I applied for BCA. You also from BCA, okay? From here. Be a little bit louder. I'm standing over here and I'm not able to hear you. I say Rakesh Kumar. Rakesh Kumar, all right. I am Bihar Board of Telecom. Okay. And what's BCA? You have taken admission in BCA. Okay, sir. Well, myself first, I'm from Patna. And I completed my intermediate from BSE and in commerce subject, and I choose the BBS. Okay. You are done from BBS. Thank you.
Thank you.
In next class, what we will do? Let me take a simple topic. Just private school is better or government school is better? Huh? Is it easy? Everyone will able to speak and please ensure कि सब लोग English में ही कोशिश करें क्योंकि फिर इस class का मतलब नहीं होगा आप गलत ही बोलिए I am there to help you ठीक है आप टूटा फूटा English बोलिए I will correct ठीक है कहीं कोई word में गलती हो रही है I will correct you ठीक है आप ये वेट अगर कर रहे हैं कि ग्रामर अच्छा होगा वो कैब अच्छा होगा तब बोलना शुरू करेंगे तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जितना आप बोल सकते हैं एंड इंश्योर मैं सब लोग बोले ये चीज को इंश्योर करें ठीक है बच्चे क्या करते हैं भीड़ में छुप जाते हैं कि भाई बच के रहना है नहीं बोलने को मिले छुप जाते हैं तो अगर ये आप करेंगे तो अपने साथियों का करेंगे ऑब्वियसली तो खुद से पार्टिसिपेट करें द टॉपिक विल बी गवर्नमेंट स्कूल इज बेटर और प्राइवेट स्कूल All
पेपर क्या है इसके बारे में तो इंडिया बोल रहे हैं एंड दैट टू आई एम गिविंग टॉपिक प्रायर टू द डिस्कशन. ठीक है, टॉपिक मैं आपको डिस्कशन से पहले दे रही हूँ लेकिन जीडी में टॉपिक पहले दिया नहीं जाता है ना, तो मैं पहले दे रही हूँ ताकि आप बोलना सीखे थोड़ा. ऑलराइट, हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे बोलते हैं वो सब मैं सिखाऊंगा. ठीक है, डन. इतना आप लोग करके आइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि आप लोग कैसे परफॉर्म करते हैं ना. आई वॉन्ट पेन.